डिस्ट्रक्टर है, वह भी कंस्ट्रक्टर की तरह एक, इट इज आल्सो ए स्पेशल मेंबर फंक्शंस ऑफ ए क्लास इन सी प्लस प्लस। डिस्ट्रक्टर व कंस्ट्रक्टर की तरह ही एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है, इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास दैट हैव बीन क्रिएटेड एयरलायर विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर की तरह हमने कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने काम आता है, उसी प्रकार डिस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर के ऑपोजिट होता है, वह जो कंस्ट्रक्टर की सहायता से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करने काम आता है। नंबर 3 पॉइंट, डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी आर्गूमेंट। डिस्ट्रक्टर है वह कोई आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। ये डिस्ट्रक्टर हमने बनाया है, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्गूमेंट नहीं जाएगा, इसके अंदर कोई भी आर्गूमेंट नहीं जाएगा। जबकि कंस्ट्रक्टर है, इसमें आर्गूमेंट लगता है। कंस्ट्रक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट आर्गूमेंट जाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गूमेंट नहीं जाता है, और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में आर्गूमेंट जाते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह पैरामीटर ये डिस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई आर्गूमेंट नहीं पास होता। 4th पॉइंट है, इट कैन नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। डिस्ट्रक्टर है वह, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। यहाँ पे जो रिटर्न टाइप लिखते हैं उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वर्ड भी नहीं होता, वर्ड भी नहीं लिख सकते हम, कोई भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन प्रोग्राम रीच्ड एंड ऑफ द एट द एंड। डिस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, कब भी, कब कॉल होगा, जब प्रोग्राम एंड तक पहुंच जाएगा। जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया क्लास से, उसके अंदर हमने डिस्ट्रक्टर बनाया, ये डिस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर बनाया क्लास का एंड, उसके बाद जब भी प्रोग्राम का एंड होगा, यहाँ तक पहुँचा प्रोग्राम, तो अपने आप डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। 6th पॉइंट है, ए डिस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर लाइक ए कंस्ट्रक्टर बट इट यूजेज ए टिल्ड साइन बिफोर इट्स नेम। कंस्ट्रक्टर है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टर के जो क्रिएट करते हैं तो उसके नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, ये टिल्ड साइन लगाते हैं, इस साइन को बोलते हैं टिल्ड साइन, ये टिल्ड साइन होता है, ये यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी बॉडी स्टेटमेंट। डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी बॉडी स्टेटमेंट होगा, जो यहाँ पे बॉडी स्टेटमेंट लिखते हैं, डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी बॉडी स्टेटमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टर के बारे में बताया, तो डिस्ट्रक्टर के बारे में आए तो ये करना है हमको। ओके फ्रेंड्स।